स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। मेरा नाम है शाहिद आजमी। आज एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर आया हूँ, खास तौर से फीफा विश्व कप में जिस तरह से मुकाबले हुए, जिस तरह से उलटफेर देखने को मिले, जिस तरह से टीमें धराशायी हुई, जिस तरह से बड़ी बड़ी टीमें बाहर हुई, उसके बाद से काफी तब्दीली देखने को मिली। और यही तब्दीली हमने देखा है जो फीफा ने आज ताजा रैंकिंग जारी की है। जी हाँ, इस ताजा रैंकिंग में एक ऐसी टीम है जिसने एक लंबी छलांग लगाई है, डबल छलांग लगाई है। जी हाँ, मोरक्को की बात करेंगे जिसने डबल छलांग लगाई, वो कहां पर पहुंची ये भी बताऊंगा। अर्जेंटीना की टीम जिसने खिताब जीता वो कहां पर, फ्रांस उपविजेता टीम वो कहां पर है, बेल्जियम, स्पेन और जर्मनी की टीमें कहां पर है, यूएस की टीम कहां पर है, ये सारी जानकारी आज इस मुख्तसर से वीडियो में दूंगा। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा मोरक्को की टीम के बारे में, जिस तरह से मोरक्को की टीम ने खेला, जिस तरह से प्रदर्शन किया और पहली अफ्रीकी टीम बनी सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली और विश्व कप में चौथा स्थान, चौथा मुकाम हासिल करने वाली उस टीम ने लंबी छलांग लगाई, इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं पहले मुकाम यानी पहले स्थान पर कौन सी टीम है, वही टीम है जो इससे पहले जो अक्टूबर में जारी रैंकिंग थी जो पहले नंबर पर टीम थी वो थी ब्राजील की टीम, अभी भी वो पहले स्थान यानी पहले मुकाम पर बनी हुई है। उसकी रैंकिंग की बात करूं तो वो 1840.77 पॉइंट लेकर वो पहले मुकाम पर है। हालांकि उसमें थोड़ा सा कमी जरूर आई, जो पिछली रैंकिंग थी उसमें 0.53 जो उसके पॉइंट्स है वो कम हुए हैं, लेकिन अभी भी पहले मुकाम यानी पहले स्थान पर स्थिति यानी बरकरार है। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है जो पिछली रैंकिंग में, जो पिछली बार तीसरे स्थान पर थी वो दूसरे मुकाम पर पहुंच गई, वो टीम है अर्जेंटीना की टीम, वो टीम है लियोनेल मेस्सी की टीम, वो टीम है जिसने खिताब जीता फीफा विश्व कप का, वो पहुंची है दूसरे मुकाम यानी दूसरे स्थान पर। उसने एक छलांग लगाई है, उसने 64.50 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ। उसके मौजूदा जो पॉइंट्स है, जो रैंकिंग पॉइंट है उसकी बात करें तो उसके पॉइंट्स है 1838.38 उसके पॉइंट्स है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन सी टीम है यह भी आपको बता दूं, तीसरे स्थान पर वही टीम है जो इस विश्व कप में दूसरे नंबर पर रहती है, यानी काइलन एम्बापे की टीम, वो टीम है फ्रांस की टीम जो विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहती, उस टीम ने तीसरा मुकाम हासिल किया। हालांकि इससे पहले जो अक्टूबर में जारी रैंकिंग थी वहां पर वो चौथे स्थान पर थी, इस बार वो तीसरे स्थान पर, उसने भी छलांग लगाई है 63 पॉइंट से ज्यादा यानी 63.61 की छलांग लगाई है। पॉइंट्स की छलांग लगाते हुए 1823.39 के उसने जो उसके रेटिंग पॉइंट्स है यानी जो पॉइंट्स है उस हिसाब से उसने मुकाम हासिल किया, यानी तीसरा मुकाम हासिल किया। चौथे मुकाम पर यानी चौथे स्थान पर बेल्जियम है, बेल्जियम के 1881.3 पॉइंट्स है। वहीं पर बात करें तो उसने उसके पॉइंट्स कम हुए, यानी उसने जो जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह उम्मीद थी उसके मुताबिक उसने प्रदर्शन नहीं किया। मोरक्को जैसी टीम से वो शिकस्त खाती, उसके 35.41 पॉइंट्स उसके नुकसान हुए। तीसरे जो पहले मुकाम उसका जो पहला स्थान था, पहला मुकाम था यानी जो दूसरे स्थान पर थी इस विश्व कप इससे पहले और जो अक्टूबर में जारी रैंकिंग थी वो अब पहुंच गई है चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर कौन सी टीम है, वही टीम है जो पिछली रैंकिंग में भी पांचवें नंबर पर थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड 1774.19 रेटिंग पॉइंट के साथ वो पांचवें स्थान पर, छठे स्थान पर। वो टीम है जो पिछली बार आठवें स्थान पर थी। जी हां, नीदरलैंड की बात कर रहा हूं, नीदरलैंड के जो पॉइंट्स है उसकी बात करूं तो 1740.92 पॉइंट्स है, उसके पॉइंट्स में इजाफा हुआ है 46.41 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, वो पहुंच गई है इस समय मौजूदा वक्त में पहुंची है छठे स्थान पर जो पिछली बार आठवें नंबर पर थी। सातवें नंबर पर कौन सी टीम है, क्रोएशिया की टीम जो इस विश्व कप में यानी फ्रांस जो इस विश्व कप में जो कतर में खेला गया जो तीसरे स्थान पर रहती, जिसने मोरक्को को चौथे मुकाम पर ढकेलते हुए तीसरा मुकाम हासिल किया, वो इस वक्त सातवें स्थान पर। उसके रेटिंग पॉइंट्स के बारे में आपको जल्दी से बता दूं, उसके रेटिंग पॉइंट है 1727.62 उसके रेटिंग पॉइंट है। वहीं पर बात करूं उसने 81.98 की छलांग लगाई, 81.98 पॉइंट की उसने छलांग लगाते हुए अपना मुकाम जो है सातवां स्थान बरकरार रखा। आठवें नंबर पर इटली की टीम, वो इटली की टीम जिससे उम्मीद की जा रही थी इस विश्व कप में लंबी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ेगी, कुछ बड़ा करेगी, लेकिन वो टीम कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाती। उसके 6 पॉइंट जो पिछली बार छठे स्थान पर थी, इस बार वो घिसक कर पहुंच गई आठवें स्थान पर। उसके रेटिंग पॉइंट्स में कमी आई, कितनी कमी आई सबसे पहले यह बता देता हूं, उसके जो रेटिंग पॉइंट्स में कमी आई 22.57 की उसकी कमी आई है, मौजूदा वक्त में उसकी 1723.56 उसके रेटिंग पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं बात करते हैं नवे स्थान पर कौन सी टीम है, नवे स्थान पर वो टीम है पुर्तगाल की टीम, वो टीम है जिसके साथ एक बड़ा खिलाड़ी जुड़ा हुआ था, जिस खिलाड़ी का ये अंतिम विश्व कप माना जा रहा था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाली टीम नवे स्थान पर पहुंच गई, जो इससे पहले भी नवे ही स्थान पर थी, यानी उसकी रेटिंग में यानी उसकी रैंकिंग में कुछ फर्क नहीं आया। हालांकि जो रेटिंग पॉइंट्स उसमें
था उसमें फर्क जरूर हुआ, लेकिन उसके रैंकिंग में फर्क नहीं हुआ। उसकी मौजूदा बात करें, जो इस वक्त रेटिंग पॉइंट्स की बात करें, उसके 1702.54 उसके पॉइंट्स हैं, वो 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर पहुंच गई है। जो पहले 7वें स्थान पर थी स्पेन की टीम, वो इस वक्त मौजूदा वक्त में पहुंच गई है 10वें स्थान पर। उसके रेटिंग पॉइंट्स की बात करें, उसके 1692 रेटिंग पॉइंट्स हैं, उसमें कमी आई है जो है 22.57 की, जो उसकी कमी आई इस हिसाब से वो मौजूदा वक्त में 10वें स्थान पर। 11वें नंबर पर कौन सी टीम है, दिल थाम के बैठिए, दिया 11वें नंबर पर वो टीम है जो पिछली रेटिंग अंक उसके जो थे बेहद कम थे, 22वें नंबर पर थी। जी हाँ, जो अक्टूबर में रेटिंग जारी हुई थी, फीफा ने जो रैंकिंग जारी की थी, फीफा रैंकिंग में 22वें नंबर की टीम थी, जो विश्व कप खेलने उतरी थी उसके साथ तमगा जुड़ा था, ये विश्व की 22वें नंबर की टीम है, वो पहुंच गई 11वें नंबर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरक्को की टीम का। मोरक्को की टीम ने एक लंबी सबसे बड़ी छलांग लगाई है और सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स का उसका इजाफा हुआ। उसने 108.85 उसने रेटिंग की छलांग लगाई है, उसके पॉइंट्स की छलांग लगाई। मौजूदा वक्त में उस रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो हैं 1672.35 उसके रैंकिंग पॉइंट्स हैं, वो पहुंच गई है 22वें से ऊपर उठते हुए पहुंच गई 11वें नंबर पर, यानी एक लंबी छलांग लगाई मोरक्को ने। और मोरक्को ने अपने खेल से साबित किया कि दुनिया में वो भी कुछ कर सकती है, उसने जिस तरह खेल दिखाया इसी तरह की उसकी रैंकिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ और एक अपने कह सकते हैं अपने बेस्ट रैंकिंग उसने हासिल की। दुनिया की टॉप 11 टीमों में उसने जगह बना ली। वो टीम किससे आगे, अमेरिका से आगे, वो टीम किससे आगे, मैक्सिको से आगे, वो टीम किससे आगे, वो टीम आगे है जो बड़ी बड़ी टीमें हैं जो आगे हमेशा से ऊपर रहा करती थी, उन टीमों से आगे। स्विट्जरलैंड से ये टीम आगे है, जैसा हमने बताया अमेरिका से वो आगे है, मैक्सिको जैसी टीमों से आगे छलांग लगाते हुए पहुंच गई 11वें नंबर पे। दोस्तों बातें बहुत है लेकिन समय अब और इजाजत नहीं दे रहा, यही मुझे शाहिद आजमी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।